ठीक है दोस्तों, चार रात हो गई है। चलो रहने दो, बस कोशिश करेंगे कि ये इन्होंने क्या मांग रखा है, क्या नहीं मांग रखा। बाजार की काफ़ी अच्छी भैंस है, भरी हुई भैंस है। देखिएगा ये, देखिए कितनी शानदार जो है ये भैंस है, झोटी है, देखिए कितनी शानदार है और काफ़ी जचाव में है, काफ़ी भरी हुई है। देखिएगा तो आइए इनसे बात कर लेते हैं, ये इन्होंने इसका क्या मांग रखा है, ये देखिए कितनी शानदार है। तो मैं कुछ ज़्यादा है तो आइए बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम भाईजान। कहाँ से हो? किरतपुर। किरतपुर से। तो ये कटिया बेचने के लिए आए हो आप? जी। क्या मांग रखा है आपने इसका? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त साहिल खान एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज जो है हम जलालाबाद के जो है पशु बाजार पहुँचे हैं आपको लेकर, और हम आपको यहाँ का बाजार दिखाने वाले हैं, कैसा लग रहा है, किस रेट पर यहाँ पे भैंसें बिक रही हैं। तो आइए दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं सीधे बाजार में। तो दोस्तों देखिएगा बाजार काफ़ी बड़ा लग रहा है और काफ़ी अच्छा बाजार लग रहा है, और काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी खाने पीने की और बैठने की। और देखिएगा काफ़ी अच्छा बाजार लग रहा है, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जलालाबाद का बाजार है, नजीबाद से पहले लगता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सीधा बाजार के अंदर लेके चलता हूँ और हम आपको जो है यहाँ के रेट वगैरह दिखाएंगे और आपको बात कराएंगे यहाँ के कैसे कैसे रेट चल रहे हैं, महंगा है सस्ता है। तो देखिएगा दोस्तों बाज़ार के अंदर काफ़ी भीड़ है और ये देखिएगा सड़कों पर तक लोगों के पशु जो है आ गए हैं और काफ़ी अच्छा बाजार लग रहा है। ये देखिए कितनी शानदार शानदार जो है भैंसे बाजार के अंदर है, कटले बाजार के अंदर है। देखिए इतना शानदार शानदार पशु जो यहाँ पर बिकने के लिए आए हैं। ये देखिए कितनी शानदार, देखिएगा ये देखिएगा दोस्तों कितनी शानदार भैंस है, ये देखिएगा कितनी शानदार भैंस है, देखिएगा और काफ़ी जचाव में है और काफ़ी काफ़ी भरी हुई भैंस है। देखिएगा इनके पास काफ़ी पशु है। तो आइए दोस्तों हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन्होंने क्या मांग रखा है, क्या नहीं मांग रखा। बाजार की काफ़ी अच्छी भैंस है, भरी हुई भैंस है। देखिएगा बाजार के अंदर काफी शानदार बावन हजार एक पशु है, देखिएगा और काफी अच्छी नस्ल के यहाँ पर पशु है। ये कितनी शानदार कटिया है, देखिएगा तो इनसे बात करेंगे। देखिए काफी भीड़ हो रही है बाजार के अंदर और काफी शानदार शानदार यहाँ पर जो है आपको पशु मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा ये जलालाबाद का बाजार है, पशु बाजार जो लगता है और काफी भीड़ हो रही है बाजार के अंदर। ये काफी भीड़ हो रही है बाजार के अंदर और हर तरह के यहाँ पर जो है आपको पशु मिल जाएंगे। पहले आप ये देखिएगा बाजार का नज़ारा देखिएगा आप, कितनी भीड़ हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है, 10 बजे का टाइम हो रहा है और काफ़ी भीड़ हो रही है, देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बाजार के अंदर देखिए एक से एक शानदार पशु है, देखिए एक से एक शानदार पशु है, देखिएगा। और ये इन्होंने कटियाँ ले रखी है, काफ़ी शानदार शानदार है। पहले आप कटियाँ देखिएगा कितनी भराव की कटियाँ हैं, काफ़ी जजाव कटियाँ हैं, देखिए कितनी शानदार कटियाँ हैं, देखिए कितनी शानदार कटियाँ हैं। तो आइए इनके बारे में आपको बताते हैं क्या मांग रखा है इन्होंने, क्या नहीं मांग रखा है, रेट बताएंगे इनके। दोस्तों देखिएगा जलालाबाद बाजार के अंदर काफ़ी शानदार शानदार आपको पशु मिल जाएंगे। देखिए कितनी शानदार शानदार कटिया हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है खरीदने वालों की, बेचने वालों की। तो आइए बात कर लेते हैं इनसे, ये इनकी कटिया है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई का? दानिश। कहाँ से हो? नजीबाबाद। नजीबाबाद से हो तो कटिया बेचने के लिए आए हो जी? क्या मांग रखा है? इसके 55,000 और इसके 50,000। इसके 50, इसके 55, इसके 50। अच्छा क्या क्या दांत हो गई है? दो दांत है दोनों। दो दांत हो गई। देखिएगा दोस्तों दो दांत कटिया हैं। ये जो है इसके 50,000 मांग रखे हैं और इसके जो है इन्होंने 55,000 रुपए मांग रखे हैं। जलालाबाद का बाजार है दोस्तों, ये देखो कटिया देखो। ठीक है दोस्तों कटिया देखो, चेहरा वगैरह दिखाओ। देखिए शानदार कटिया है, ये देखो देखिएगा, काफी भरी हुई कटिया है, काफी शानदार कटिया है, भूरे कलर की। और इन्होंने जो है इसके 55,000 रुपए मांग रखे हैं। ये लास्ट कहाँ तक हो जाएगी? लास्ट ये हम 50 तक की दे देंगे। 50 तक की। और दूसरी वाली जो है? दूसरे वाले 46 तक के दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जिसके 50 मांग रखे हैं 46 तक के दे देंगे, और जिसके इन्होंने 55 मांग रखे हैं उसके जो है ये देखो ये 50 तक के दे देंगे। काफ़ी अच्छी भैंस है देखिए दोस्तों। तो देखिएगा ये जलालाबाद का बाजार है, यहाँ पर एक से एक शानदार जो है कटिए भैंसे कटले कटिए और छोटे वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो है ये कटिए के आपको हम जो है रेट बताएंगे। काफ़ी शानदार कटिया है, देखिए कटिया है, कटला है, क्या है ये? कटला झोटा। कटला है, झोटा है दोस्तों, ये देखिएगा झोटा है। तो ये इसके बारे में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है भाई का? आमिर। आमिर भाई कहाँ से हो? नजीबाबाद। नजीबाद से जी। तो ये क्या है, झोटा है जी? झोटा बेचने के लिए आए हो जी? क्या मांग रखा है? 55,000 रुपए। क्या दांत हो गया? दो दांत जी। देखिए दोस्तों इसके जो है 55,000 रुपए मांग रखे हैं। क्या साल का बच्चा है ये? जो है 3 साल का। देखिए 3 साल का बच्चा है, 55,000 रुपए मांग रखे। लास्ट कहाँ तक दे दोगे भाईजान जी? लास्ट कहाँ तक दे दोगे? 50। देखिए दोस्तों 55 मांग रखे और 50 का लास्ट ये आपको दे देंगे। घुमा देखिएगा जलालाबाद बाजार के अंदर काफ़ी शानदार शानदार पशु है और काफ़ी बड़ा बाजार लग रहा है, हर तरफ आपको पशु देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा ये जो है काफ़ी शानदार जो है झोटा है, काफ़ी शानदार झोटा है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ से हो? जलालाबाद। जलालाबाद से। तो ये झोटा बेचने के लिए आए थे जी? क्या मांग रखा है? इसके मांग रखते 36,500 रुपये। दौड़ गया ये
जी दौड़ गया, दौड़ गया, ढाई साल का है, ढाई साल का है, दौड़ गया, 36,000, 36,000 रुपए। लास्ट कहाँ तक दोगे अभी से? लास्ट दे देंगे 36,000। देखिए 36,500 मांग रखे हैं और 36,000 रुपए तक आपको ये दे देंगे। तो दोस्तों देखिएगा जलालाबाद बाजार के अंदर आपको एक से एक शानदार जो है पशु मिल जाएंगे। और ये देखिए कितनी शानदार जो है ये भैंस है, झोटी है, देखिए कितनी शानदार है और काफ़ी जचाव में है, काफ़ी भरी हुई है। देखिएगा तो आइए इनसे बात कर लेते हैं, इन्होंने इसका क्या मांग रखा है। ये देखिए कितनी शानदार जो है ये झोटी है। देखिए पहले आप झोटी देखिएगा, काफ़ी शानदार है, काफ़ी जचाव में जो है ये झोटी है। देखिएगा काफ़ी अच्छी झोटी है, ये देखिएगा काफ़ी भरी हुई ठुकी हुई झोटी है और जलालाबाद बाज़ार के अंदर है ये। तो आइए इसके बारे में हम आपको इसके रेट वगैरह बता देते हैं। तो दोस्तों ये भैंस है, आइए इसके बारे में बात करते हैं हम। जी भाईजान क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया जी बढ़िया। क्या नाम है आपका? गुड्डू। कहाँ से हो? मंडावर। मंडावर से। तो ये बेचने के लिए आए थे जी? क्या मांग रखा है हमने इसका? 75,000 रुपए। दौड़ गई है? चार दांत है। चार दांत। तो जैसा कि आपने इसके 75,000 मांग रखे, लास्ट कहाँ तक दे दोगे आप इसे? 72 की दे देंगे। देखिए दोस्तों 75 मांग रखे हैं और आपको 72 की दे देंगे, काफ़ी शानदार जो है ये झुटिया है। तो दोस्तों देखिएगा जलालाबाद का बाजार काफ़ी शानदार बाजार होता है और यहाँ पर आपको जो है एक से एक पशु मिल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बड़ी बड़ी झुटिया दिखाई, कटिया दिखाई, कटले दिखाए, इसी तरह से जो है बाजार के अंदर जो है छोटी कटिया कटले भी हैं। तो आइए देखिएगा मैं पहले आपको जो है कटिया दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है आपको मैं इनके रेट बताएंगे। देखिए इतने शानदार कटिया हैं, छोटी कटिया हैं और काफ़ी अच्छे जचाव में है। तो आइए इनसे बात करेंगे, इन्होंने क्या मांग रखा है, क्या नहीं मांग रखा है इसका। तो दोस्तों देखिए ये कटिया हैं और आइए इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम भाई कहाँ से हो? बिजनौर। बिजनौर से। तो कटिया बेचने के लिए आए हो? बेचने के लिए। क्या क्या मांग रखा है आपने? इसके 42,000, उसके 34,000। देखिए दोस्तों ये जो बड़ी वाली खड़ी है, इसके तो 42,000 मांग रखे हैं और इसके 34,000 रुपए। दौड़ गई। हाँ दो। कितने कितने दांत हो गई? दो। देखिए दोस्तों दो दांत हो गई है। इसमें कम क्या कर दोगे? इस वाली बड़ी वाली में क्या कम कर दोगे? लास्ट कहाँ तक दे दोगे? 1,500 रुपये कम। देखिए दोस्तों 1,500 रुपये कम भी कर देंगे, काफ़ी शानदार कटी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा बाजार लग रहा है जलालाबाद का और काफ़ी शानदार यहाँ पर पशु हैं। देखिएगा चारों तरफ जो है बाजार में काफ़ी भीड़ हो रही है। देखिएगा आगे तक जो है काफ़ी भीड़ है और ये देखिएगा ये ज़्यादातर कोई हॉस्पिटल है, अंदर का देखिएगा भीड़ हो रही है। तो देखिएगा बाजार के अंदर से आपको घुमाना है तो ये देखिएगा इधर भी चलते हैं हम, आपको इधर दिखाएंगे। यहाँ पर मुझे धूप काफ़ी हो रही है, बारिश होने की वजह से। तो दोस्तों देखिए बाजार के अंदर काफ़ी शानदार पशु हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर अपने पशु बेचने के लिए आए हैं। देखिएगा धूप काफ़ी हो रही है, बारिश नहीं होने की वजह से, और ये देखिएगा बाजार में काफ़ी धूप हो रही है तो लोग बाग जो है इधर की साइड में आ गए हैं और काफ़ी अच्छा बाजार लग रहा है। देखिएगा काफ़ी बड़ा बाजार है और काफ़ी शानदार पशु यहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगे। देखिए काफ़ी बड़ा बाजार लग रहा है, देखिए धूप की वजह से लोग जो है यहाँ पर आ गए हैं, इधर खड़े हो गए हैं धूप में, काफ़ी गर्मी हो रही है। तो आइए यहाँ पर भी हम किसी से बात करेंगे और जानेंगे किस रेट में ये जो है भैंसें दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा कितनी शानदार जो है, क्या है भैंसे कटिया है वो? ये कटिया भाई जान। देखिए कटिया है, काफ़ी शानदार कटिया है। पहले आप कटिया देखिएगा, ये देखिए कितनी शानदार कटिया है और काफ़ी जचाव में है। ये देखिए कितनी शानदार कटिया है और काफ़ी जचाव में है और भारी भरकम जो है ये कटिया है। ये देखिएगा भरी हुई सी कटिया है। ये देखिए कटिया देखिएगा आप, काफ़ी अच्छी, काफ़ी शानदार, काफ़ी जचाव में जो है कटिया है। ये जलालाबाद का बाजार है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर जो है व्यापारी लोग आते हैं। देखिए कितनी शानदार कटिया है, कटिया को आप मैं दिखा दिया। तो आइए बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम भाईजान। कहाँ से हो? किरतपुर। किरतपुर से। तो ये कटिया बेचने के लिए आए हो आप? जी। क्या मांग रखा है आपने इसका? इसके 1,05,000 भैया। देखिएगा दोस्तों 1,05,000 रुपये मांग रखे हैं। तो ये कितने दांत हो गई है? जी कितने दांत हो गई है? ये चार दांत है भाई। चार दांत हो गए। तो जैसे कि आपने 1,05,000 रुपये इसके मांग रखे हैं, लास्ट कहाँ तक दे दोगे? लास्ट भैया 1,01,000 रुपये की मिलेगी। देखिएगा दोस्तों ये इन्होंने 1,05,000 रुपये मांग रखे हैं, 4,000 रुपये आपको ये कम कर देंगे। तो दोस्तों देखिएगा गर्मी काफ़ी होने की वजह से जो है ये इधर के साइड में जलालाबाद की तरफ जो है बाजार जहाँ पे लग रहा है वो अंदर की साइड में जो है भैंसें आ गई हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है, गर्मी की शिद्दत काफ़ी हो रही है। तो देखिएगा लाइन वार से लोगों ने अपनी भैंसें जो है इधर खड़ी कर ली है, क्योंकि गर्मी की वजह से काफ़ी जो है पशु परेशान है गर्मी की वजह से। तो आइए देखिए बात कर लेते हैं, ये कितने शानदार यहाँ पर पशु खड़े हैं। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं किस रेट पर भैंसें दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज कुरैसी। जी कहाँ से हो? अकबराबाद से। अकबराबाद से। तो ये भैंसे आप बेचने के लिए आए हो? बेचने के लिए आए। अच्छा। जी तो क्या क्या मांग रखा है आपने? एक के मांग रखे 46.5, एक के 45, एक के 35.5। किसके पहली वाली नंबर कितना बताया आपने? इसके 46.5।
साढ़े छियालीस। क्या दांत हो गई है? ये दो दांत है। दो दांत और ये अगली वाली जो है? अगली वाली भी दो दांत है। अच्छा, इसके क्या मांग रखा है? इसके साढ़े बयालीस। और ये तीसरे नंबर की जो खड़ी है? साढ़े पैंतीस। और ये क्या है? ये दूध वाली मांग रही है। 62,000। 62,000 रुपए दूध वाली है। कैसी है ये? सब कुर्बानी का माल है। वो भी आपकी है? हाँ, सब हमारी। अच्छा, तो 62 जैसे आपने मांग रखे है, तो क्या क्या कम कर दोगे इनमें? ये कहाँ तक दोगे आप? बस इसे लगभग 2-3 हजार कम करके दे देंगे। देखिएगा दोस्तों, तो आप जो है 12 महीने बेचते हो? 12 महीने? हाँ, हर साल 12। नहीं, सीजन करते हो या नहीं? 12 महीने अपने डंगरों का काम करते हैं, सीजन भी बेचते हैं। देखिएगा दोस्तों, 12 महीने डंगरों का काम करते हैं, सीजन में ये बेचते हैं। जरा मोबाइल नंबर और बता दीजिएगा अपना। मोबाइल नंबर मोबाइल तो खोएगा मेरा। 77 जी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इनका मोबाइल नंबर बता दिया, इनके पास आपको जो है हर तरह का पशु मिल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपको जो है काफ़ी शानदार जुड़िया मिल जाएंगी। देखिएगा ये कितनी शानदार जुड़िया है, देखिए कितनी शानदार जुड़िया है। तो इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल चाल है छोटे भाई के? भाई बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैयद कुरैशी जी। तो ये कटिया बेचने के लिए आए हो? यस। ये जो सामने आपके कटिया खड़ी जरा इसका चेहरा ऊपर को दिखाओ, आगे करो जरा इसे। ये कितनी शानदार जुड़िया है। तो क्या मांग रखा है इसका? 61,000। कितने? 61,000 रुपये। क्या दाँत हो गई है? ये चार। चार दांत? देखिए दोस्तों, ये इससे जो है 61,000 रुपये मांग रखे हैं, चार दांत हो गए। लास्ट कहाँ तक दोगे इसे? लास्ट कहाँ तक दे दोगे इसे? कितने की दे दोगे लास्ट? 1,500 कम करके दे देंगे। देखिएगा दोस्तों, ये 1,500 रुपये कम करके दे देंगे और काफ़ी शानदार जो है कटिया है। तो देखिएगा, बाजार के अंदर जो है आपको अच्छे शानदार पशु मिल जाता है और काफ़ी अच्छी नस्ल के यहाँ पर जो है आपको भैंसे कटिए जोटे कटले वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। देखिए कितनी शानदार जो है जुटिया है और काफ़ी जचाव में है, काफ़ी भारी है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इसके बारे में क्या मांग रखा है, कहाँ से हैं ये, भाई ये बात कर लेते हैं। जी भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्जान जी। कहाँ से हो? छियालीस यार, किरतपुर। किरतपुर से? तो बेचने के लिए आए हो आप? जी, बेचने के लिए आए भाई। क्या मांग रखा है आपने इसका? 46,000 मांग रखे भाई जी। 46,000 रुपये। क्या दांत हो गए? दांत नहीं होती जी। दो दांत हो गई। दो दांत हो गई जी। तो 46 मांग रखे हैं, लास्ट कहाँ तक दे दोगे? जब कोई बातचीत करो दे ही देंगे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने और जो कि बातचीत कर रहा है कह रहे हैं कि दे देंगे। देखिए काफ़ी शानदार जो है ये जुटिया। इसके अलावा भी और पशु हैं आपके पास में? हाँ, मेरे पास और भी है, इधर बंद रहा है पीछे। जो है काफ़ी सारी भैंसे इन्होंने ले रखी है। तो दोस्तों देखिएगा, ये जलालाबाद का बाज़ार काफ़ी शानदार बाज़ार है। यहाँ पर हर तरह के पशु जो है आपको मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी नस्ल के पशु आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो है जैसा कि ईद का मौका चल रहा है, तो काफ़ी दूर दूर से जो है यहाँ पर जो है बेचने के लिए खरीदने के लिए आ रहे हैं। देखिएगा, ये एक जुटिया है, काफ़ी शानदार जुटिया है। तो आइए इसके बारे में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइएगा। क्या नाम है? मोहम्मद शाद। कहाँ से हो? जी, नूरपुर से। नूरपुर से? तो बेचने के लिए आए हो? जी, बेचने का आए। क्या मांग रखा है? हमने मांग रखा है 53,000 रुपए। 53,000 रुपए जी। क्या दांत हो गई है? जी, क्या दांत हो गई है? ये दो, चार दांत हो गए जी। चार दांत, जरा दांत दिखाना इसके। देखिएगा दोस्तों, चार दांत हो गई है। चलो रहने दो बस, ये चार दांत हो गए। तो जो आपने मांग रखे हैं उसमें कम कितने कर दोगे आपने? बस यही 2-3 हजार रुपए। देखिएगा दोस्तों, ये 2-3 हजार रुपये आपको कम कर देंगे, काफ़ी शानदार जो है कटिया है। देखिए कितने शानदार कटिया है। तो दोस्तों देखिएगा, बाजार के अंदर जो है जैसे कि कुर्बानी की भैंसे हैं, ये मैंने आपको दिखाई, तो इसी तरह जो है दूध वाली भैंसे हैं। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं, ये कौन सी भैंसे और कितना दूध दे रही है, क्या बने क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान जी। कहाँ से हो? हरसवाड़ा से। तो ये जो है भैंस बेचने के लिए आए हो? जी। दूध दे रही है क्या? हाँ जी, दूध दे रही। कितना? ये कर दिया 5 किलो दूध एक टाइम में। एक टाइम? दोनों टाइम दे रही नहीं? हाँ, दोनों टाइम दे रही है। क्या मांग रखा है इसका? इस वाली भैंस का? हाँ, इस वाली भैंस के 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। देखिए लीटर दूध देती है। देखिए दोस्तों, दोनों टाइम में जो है 10 लीटर दूध देती है, एक टाइम में 5 लीटर और एक टाइम में 5 लीटर। तो दोस्तों ये था जलालाबाद का पशु बाजार, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।